Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss the long questions from invertebrate zoology, Miller and Harley. Invertebrate section से हम देखेंगे long questions. तो इसमें first one जो हम देखेंगे ना वो है pseudopodia और उसकी types. ये short में भी आता है और long question में भी 5 marks का ये question आता है with diagram of pseudopodia types. उसके बाद reproduction in ciliates. ये बहुत important topic है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम जाएँ तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, उनका ड्यूरेशन कितना है, इसमें बेसिकली जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का किस तरह वो मलेरिया काज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्सोप्लाज्मोसिस और कॉक्सीडियोसिस का फ़र्क पूछा जा सकता है. किनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में. इसके बाद फाइलम नाइडेरिया की 4 क्लासेस हैं, इनमें से कोई भी क्लास आ सकती है. बेसिकली हाइड्रोजुआ और एंथोजुआ जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसके बाद अगर हम बात करें प्लेटी हेलमेंथस की तो उसमें पैरासिटिक अडॉप्टेशंस, यानी एक तो उनकी क्लास फ्री लिविंग है ना, बाकी पैरासिटिक क्लासेस जो हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी अडॉप्टेशन है, जैसे सिस्टोडिया में गट नहीं होती तो ये सारी अडॉप्टेशन इसमें आएंगी. लाइफ साइकिल्स ऑफ सब क्लास डाइजीनी, अब इनका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और साथ ही ट्रीमाटोड जो पैरासाइट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक पैरासाइट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आता है. इसके अलावा ब्लैडर वर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका लाइफ साइकिल. रोटीफेरा में रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है, मिक्टिक और एमिक्टिक का डिफरेंस आ जाता है. नीमाटोड्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं और उनके इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स कौन से हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ काज कर सकते हैं. टॉर्शन हो कैसी होती है गैस्ट्रोपोडा में, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं क्या. क्लास बाइवॉल्विया के करेक्टर्स आ सकते हैं. सेफलोपोडा में जो आईज हैं, इंग ग्लैंड्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अर्थवर्म्स में लोकोमोशन, लीचीज और अर्थवर्म दोनों में लोकोमोशन किस तरह होती है. पोलीचीटा के जनरल करेक्टर्स क्या हैं, लीचीज में कौन सा ऐसा फीचर है जो उसको डिफरेंट बनाता है बाकी दोनों क्लासेस से, पोलीचीटा और ओलिगोचीटा से. इसके बाद अगर हम आर्थ्रोपोडा में जाएं तो अपेंडेजेस क्रे फिश के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा इनके जो सिस्टम्स हैं जैसे गैस एक्सचेंज सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट हैं. चैलिसरेटा के करैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. इनमें जो फंक्शन है अपेंडेजेस के वो इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं, यानी इनमें मेटामॉर्फोसिस आ जाएगी, एक्सोस्केलेटन आ जाएगा, ठीक है. ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आर्थ्रोपोड चैप्टर के स्टार्ट में ही हैं. उसके बाद एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स, इसमें एक डायसिस आ जाता है, मेटामॉर्फोसिस ये आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन. सोशल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे हनी बी वगैरह हैं, टर्माइट्स वगैरह हैं, ये उन पे आ जाती है डिटेल. ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है हेक्सापोडा में. इंसेक्ट्स में फ्लाइट किस तरह की होती है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसके अलावा जो अकाइनोडर्म्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वाटर वास्कुलर सिस्टम. इसके अलावा इनके कोई भी क्लास जो है उसके जनरल करेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली अकाइनोडर्म्स में से ये वाटर वास्कुलर सिस्टम ही एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है.